जी गाइस, तो आप भी कोई ऐसी क्रीम सर्च करो जो कि आपकी स्किन लाइटनिंग में हेल्प करे, स्किन वाइटनिंग में हेल्प करे, या फिर आपके लिए वो सेफ होती है या फिर नहीं होती है, या फिर आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत सारे लोगों को ना माउथ के अराउंड बहुत ज्यादा ब्लैकिश टाइप का पड़ जाता है, तो उसको कितना भी आप DIY वगैरह यूज कर लेते हो, लेकिन DIY जो कि रिजल्ट देता है ना वो काफी लेट देते हैं, लेकिन जो आप मेडिकेटेड ट्यूब्स होते हैं या मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं वो कुछ ज्यादा जल्दी रिजल्ट दे देते हैं उसके मुकाबले। तो वही चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेलाग्लो रिच क्रीम के बारे में कि ये क्रीम आपकी स्किन लाइटनिंग क्रीम है और ये इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या फिर क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये आपके हाइपर पिगमेंटेशन को कम करती है या फिर आपको क्या रिजल्ट देती है और कितने टाइम में देती है, वो सारा कुछ आपको आगे वीडियो में पता लगेगा, तो वीडियो को आपको देखना है एंड तक। सो गाइज, मैंने इस क्रीम को डिवाइड किया है टोटल 5 पॉइंट्स में ताकि आपको समझने में इजी हो जाए कि आपको इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं टोटल 5 पॉइंट्स कौन से होने वाले हैं और आप अपना डिसीजन भी ले पाओ कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और बेनिफिट्स क्या क्या है, कि आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पे जो टोटल 5 पॉइंट्स होने वाले हैं ना, फर्स्ट इसका प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है, सेकंड इसका प्राइस क्या है, थर्ड इसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसा है यानी कि टेक्सचर कैसा है, फोर्थ हम बात करेंगे प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है, फिफ्थ एंड लास्ट हम बात करेंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है, मीन्स कि इसको यूज करने के बाद मुझे कैसे रिजल्ट मिले हैं या फिर मुझे कैसे इसके बेनिफिट दिखाई दिए हैं या फिर साइड इफेक्ट दिखाई दिए। सो गाइज, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी आती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे सारा ही पैसा खर्च कर दिया कंपनी वालों ने। तो पैकेजिंग जो है ना इसकी, वो कुछ इस तरीके की है, कुछ इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ही आता है, कुछ बड़ा सा कार्डबोर्ड है और ट्यूब आप देखोगे ना, सच में हैरान रह जाओगे, ट्यूब देखे कितना आपको प्रोडक्ट मिल रहा है इसका। अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसकी इनर पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है, देन ये कुछ जादुई तरीके से ओपन होता है, मतलब अलग ही इसका स्टाइल है ओपन होने का। तो कुछ इस तरीके का आपको जो क्रीम है वो ऐसे आएगी, मैंने उसको दोबारा इसमें से डाल दिया था ताकि आप लोगों को दिखा सकूं मैं। तो कुछ इस तरीके की इनर जो पैकेजिंग है वो इस तरीके की है, ये तो ट्यूब पैकेजिंग में आता है, ये इतना ट्यूब आ रहा है, राइट, देख सकते हो आप कितना ट्यूब आ रहा है, मतलब इतना छोटा ट्यूब यार, इतना कार्डबोर्ड बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। मुझे तो नहीं लगा कि पैकेजिंग इसकी ज्यादा बेटर है, क्योंकि छोटी सी आप पैकेजिंग दे रहे हो, इतना ज्यादा प्रोडक्ट आप दे नहीं रहे हो इसमें। मतलब गाइस, इसका जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना, वो सिर्फ आपको 20 ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब 20 ग्राम प्रोडक्ट में आप इतना बड़ा जो कार्डबोर्ड है वो वेस्ट कर रहे हो। तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इसकी पैकेजिंग इतनी बड़ी क्यों है और इतनी ज्यादा फैंसी टाइप क्यों दी हुई है। तो पैकेजिंग ओके है, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, बट इतना कार्डबोर्ड वेस्ट नहीं करना चाहिए, यही बोल सकते हैं। प्राइस नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है प्राइस। प्राइस को तो हम लोग स्किप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइस तो बहुत ज्यादा मैटर करता है, कोई भी चीज खरीदने से पहले हम प्राइस जरूर देखते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी खासी पैकेजिंग की है तो देख लो भाई प्राइस भी कितना है इसका। तो प्राइस जो MRP इस बॉक्स पे दी गई है वो है 415 रुपए, लेकिन अगर आप केमिस्ट ले रहे हो तो 415 की ही पड़ेगी, लेकिन आप अगर ऑनलाइन बाय करते हो ना तो आपको ये मिल जाएगी कम से कम 350 तक या फिर 400 तक, तो आप मान के ही चलो कि उतने की ही मिलेगी। लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना, इसका जो प्रोडक्ट मिल रहा है ना वो 20 ग्राम मिल रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा कम लगा और प्राइस इसका बहुत ज्यादा हैवी लगा, जिस तरीके से इसका प्रोडक्ट मिला उस हिसाब से प्राइस मुझे नहीं लगा। सो गाइस, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट होने वाला है वो है फॉर्मूला। अब इसके फॉर्मूले की बात देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो मैं अप्लाई करके इसको देख चुकी हूँ और मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, ये कंसिस्टेंसी कैसी है इसकी और इसका टेक्सचर कैसा है, तो मैं आपको भी अपने हैंड पे दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके के टेक्सचर में आती है, मीन्स की हैवी टेक्सचर के साथ में है काफी, और अगर आप इसको अपने फेस पे लगाते हो ना तो आपको थोड़ा बहुत ऑयली टाइप का फील होगा, मीन्स की इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होती है आपके फेस के ऊपर, बहुत आपको टाइम लगता है इसको, थोड़ा आपको स्प्रेड करना होता है और थोड़ी देर आपको मसाज करनी होती है अपने फेस के ऊपर, तब जाके ये जो है आपके फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। तो कंसिस्टेंसी इसकी ओके है, ज्यादा रनी भी नहीं है, ज्यादा थिक भी नहीं है, नॉर्मल है, बस ये है कि आपका ये जो एब्जॉर्ब है ना वो थोड़ा लेट होता है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर कि इसका प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है, मींस कि ये प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है, कि आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसके बारे में तो जानना ही चाहिए, ऐसे तो कोई चीज नहीं खरीद सकते ना, पहले हम जानते हैं, थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते हैं CID की तरह, उसके बाद खरीदते हैं कोई भी चीज, उसके बाद अपना पैसा लगाते हैं, राइट। लेकिन मेरे को आप लोगों के लिए लानी पड़ती है ऐसी क्रीम्स, क्योंकि रिव्यू कौन शेयर करेगा आप लोगों के साथ में, तो वही वाली बात है। तो अब मैं आपको बता दूंगी प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है। फर्स्ट इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो आउटर पैकेजिंग पे है ना उसी में सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मिलेगा मेलाग्लो रिच क्रीम, नेक्स्ट आपको मिलेगा डी पिगमेंटेशन एंड ग्लो रिस्टोरेशन क्रीम, यानी कि पिगमेंटेशन के लिए काम आती है ये, और ये ग्लो प्रोवाइड करती है आपको, यानी कि ग्लो रिस्टोर करती है आपके फेस के ऊपर ताकि ग्लो आए और जो भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना वो सारी हट जाए, ये इसका फ्रंट में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट गाइस, इसमें प्रिकॉशंस बताए हुए हैं कि अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इसको अप्लाई करते हो अपने फेस के ऊपर तो आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत इचिंग टाइप की होती है ना वैसा टाइप हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, इसके पीछे वाले पैकेजिंग वाले हिस्से पे आपको मिल जाता है प्राइस, इसकी क्वांटिटी कितनी मिल रही है प्राइस में
आपको बता ही चुकी हूँ, इसकी आपको एक्सपायर डेट मिल जाएगी, 2 साल की एक्सपायर डेट है, 2019 में ये बनी थी और 2021 तक है। इसके बाद सारे इसमें जो कि प्रोडक्ट में इसमें जो भी आपका इंग्रेडिएंट डले होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मेन मैटर करते हैं, तो यहाँ पे इसमें लिकोराइक्स एक्सट्रैक्ट है जो कि 40% है, बाकी आपका पीटेरो व्हाइट है जो कि 90% है, आर्टिब्यूटिन है और बहुत सारे केमिकल्स इसमें ऐसे मिलाए गए हैं। इसमें कोजिक एसिड भी है जो कि आपकी स्किन लाइटनिंग में हेल्प करता है। आप जितना भी देखोगे ना, जो भी स्किन लाइटनिंग क्रीम होगी ना, उसमें कोजिक एसिड जरूर होता है, क्योंकि वो ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि स्किन लाइटनिंग में हेल्प करता है हमारी काफी ज्यादा। और भी बहुत सारे इसमें जो कि है ग्लाइकोलिक एसिड भी है, और ये सारा कुछ इसमें मेंशन है, पूरा प्रोडक्ट जो है वो ये क्लेम करता है। हाँ जी गाइस, तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में कि मेरा ओपिनियन क्या है इस क्रीम को यूज करने के बाद, कि आपको ये क्रीम बाय करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, आपको इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या दिख सकते हैं और मुझे क्या क्या दिखे हैं। लेकिन मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ऐसा नहीं कि जैसा रिएक्ट मेरे फेस पे हुआ है ऐसे ही आपके फेस पे भी हो। तो मैं अगर आपको बताऊँ ना, मैंने इसको यूज किया है, यूज करने के बाद मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी कि मुझे क्या हुआ है। कुछ दिन तक तो मुझे नॉर्मल लगा कि हाँ यार थोड़ा काम कर रही है और थोड़ी बहुत इन्होंने बताया कि इचिंग होगी, चलो ठीक है बेयर कर लेते हैं, इचिंग होगी तो क्या हो गया गाइस, थोड़ी बहुत मतलब सह लेते हैं, कोई बात नहीं, रिव्यू भी तभी कर पाएंगे जब इसको यूज कर सकेंगे। तो मैंने सोचा ठीक है ऐसी हो रही, नॉर्मल इचिंग हो रही होगी इसको लगाने के बाद। रोज रात को एक हफ्ते तक तो मैंने इस्तेमाल किया ही है इसको, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हुआ है ना, मतलब ईद से पहले मैं इसको इस्तेमाल कर रही थी, उसके बाद जो मेरे फेस पे मतलब रोज 2-3 दिन तक अच्छे से काम किया इस क्रीम ने, ऐसा नहीं है कि इस क्रीम ने अच्छे से काम नहीं किया है, बहुत अच्छे से काम किया है। लेकिन उसके बाद जो है मेरे यहाँ पे जो है बहुत सारे एक्ने निकलना स्टार्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 आपको फोटो में दिख जाएंगे, छोटे 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 दाने निकलना स्टार्ट हो गए। फोटो में तो इतना क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फ्रंट से कोई अगर देखता ना तो सच में लगता है कि बहुत सारे एक्ने निकल आए थे। यहाँ पे रेडनेस टाइप की हो गई थी मेरे फेस के ऊपर। मुझे इस क्रीम को यूज करने के बाद पिगमेंटेशन तो कम नहीं हुई है, लेकिन हाँ गिफ्ट जरूर मिल गया, यानी कि एक्ने गिफ्ट में मिल गए हैं। तो मेरे ऊपर जो है इसने ऐसा रिएक्ट किया था, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर रिएक्ट किया है तो आपके ऊपर भी करेगी, बट मेरे को इसका जो साइड इफेक्ट लगा है ना वो यही लगा है कि आपके फेस के ऊपर ये एक्ने वगैरह कर सकती है ये क्रीम, क्योंकि स्किन लाइटनिंग क्रीम में कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आपकी स्किन को हार्म भी पहुंचाते हैं। और गाइस मैं तो सोच रही थी ना कि मेरे पैसे जो है ना वो सारे ही वेस्ट हो गए, मतलब 400 रुपए की क्रीम खरीदी यार स्किन लाइटनिंग क्रीम, वो भी काम नहीं करा, कुछ भी काम नहीं करा उसने, और बल्कि मेरे दाने और दे दिए। मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये क्रीम, क्योंकि मेरे लिए वर्क नहीं करा। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि मुझे सूट नहीं हुई है बिल्कुल भी क्रीम। सो गाइस अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो सारी चीजें जानने के बाद कि आपको इस क्रीम को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आई है और इस क्रीम का रिव्यू जो है वो पसंद आया हो, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और हाँ गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, बिल्कुल फ्री है गाइस, कर देना यार। और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अगली जो भी मैं वीडियोस डालू ना तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले उसका। सो गाइस मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस क्रीम का रिव्यू कैसा लगा।